नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है राजेश कुमारी जी, जो कि एक बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करती है और बाबा साहब और गौतम बुद्ध की बातों को जन 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 तक पहुंचाने का काम करती हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ओबीसी समाज को बाबा साहब ने 27% आरक्षण दिया था, उसके बावजूद भी आज सिर्फ एससी समाज ही आगे क्यों है, ओबीसी क्यों नहीं? देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा है और हमारे ओबीसी समाज आज तक नहीं जान पाया कि उनका असली असली बाप कौन है, उनका असली हमदर्द कौन है, उनका असली मसीहा कौन है। आज भी वो अपने दुश्मन को ही पूछते आ रहे हैं, अपने दुश्मन को ही मानते आ रहे हैं, और जब तक वो दुश्मन को मानेंगे कभी उनका भला होने वाला नहीं है। मैं आपने सवाल किया है कि ओबीसी समाज को 27% कहाँ से आ गया। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहती हूँ, इस देश के अंदर जो हमारा वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर हमारे चार ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम जब ओबीसी समाज का जिक्र करते हैं तो ओबीसी समाज हमारा किस वर्ण में आता है? ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण वर्ण में नहीं आता, क्षत्रिय वर्ण में नहीं आता, शूद्र उसमें वैश्य वर्ण में नहीं आता। अब बचा चौथा हमारा शूद्र वर्ण, जिसमें 85% हमारा समाज आता है। तो जब इस शूद्र वर्ण में आता है, लेकिन वो लोग मानने के लिए आज भी तैयार नहीं हैं, और कि वो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो ऊंचे लोग हैं, हमारी तो जाति ऊंची है। अब इन मनुवादियों ने हमें जाति के चक्कर में ऐसा फंसा के रखा हुआ है, एक जाति अपने आप को दूसरी जाति से ऊंचा मानती है, कोई भी अपने आप को नीचा मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर देखा जाए तो हैं हम सब एक ही वर्ण से निकले हुए हैं, हम सभी के सभी शूद्र वर्ण से हैं, लेकिन फिर भी हमें 6745 जातियों में इस तरीके से बांट रखा है कि हम आपस में उलझते रहें, हमारा रेट रोटी बेटी का रिश्ता ना बनने दिया। ब्राह्मण भारद्वाज के यहाँ शादी कर लेगा, ब्राह्मण द्विवेदी के यहाँ शादी कर लेगा, क्षत्रिय के यहाँ शादी कर लेगा, लेकिन इन्होंने हमें ऐसा फंसा दिया कि एक जाटव लड़की देखता है वो वाल्मीकि को नीचा मानता है, वाल्मीकि वाल्मीकि को जाटव को अपने से नीचा मानता है। तो हम जो है आज भी अपने उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं में लगे हुए हैं, उन्हीं में लिपटे हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या देखा, 1931 में जब उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड को कहा कि हमारे समाज को तो कोई अधिकार है ही नहीं, तो आप हमारे समाज को भी अधिकार दें, 85% को भी अधिकार दें। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, मैं तो आपको अधिकार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महात्मा गांधी जो है वो आपको अधिकार देने के लिए मानता ही नहीं है। जब भी आपकी बात आती है तो महात्मा गांधी हमेशा आपका विरोध करता है और वो कभी भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, वो आपकी बात को आगे नहीं बढ़ने देता। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप जाइए अपने देश के अंदर, आप उन लोगों की, उन जातियों की सूची तैयार करें जो आज भी गरीब हैं, जो आज भी कमज़ोर हैं, जो जातियाँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ अपने SC ST जो भाई हैं उनकी जो है लिस्ट बनानी शुरू की और एक मुनादी कराई कि जो जो जातियाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिस्ट में नाम लिखा देंगे तो उनको अधिकार मिल जाएंगे। तो बाबा साहब के यहाँ पे सब जातियाँ अपना अपना नाम लिखवाने के लिए आ रहे थे, लेकिन गांधी तो हमेशा बाबा साहब का विरोधी रहा है, उसने पग पग पे बाबा साहब को दुख दिया है, सबसे बड़ा रोड़ा था ये बाबा साहब के सामने। अगर ये बाबा साहब का साथ देता तो आज हमारा देश और भी ज़्यादा विकासशील देशों में होता, लेकिन इसने बाबा साहब के कभी नहीं समझा कि बाबा साहब जो है एक सही बुद्धि से काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब तो बहुत महान पुरुष थे, उन्होंने लोगों से कहा कि आप अपनी जाति का नाम मेरे यहाँ रजिस्टर्ड कराएं, लेकिन इसने अब ओबीसी के लोगों को फेंका दिया कि आप डॉक्टर अंबेडकर के पास मत चले जाना, वो सबको चमार बना रहा है। अब जब ओबीसी के लोगों ने ऐसे सुना, भाई हम तो चमार नहीं बनेंगे और हम जाटव क्यों बने, तो उन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना और अपनी जाति का रजिस्ट्रेशन बाबा साहब के पास नहीं कराया। और जिन जातियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था बाबा साहब के पास, वो बाबा साहब ने वो जातियां वहां से मान्यता प्राप्त करा दी थी, रिकॉग्नाइज करा दी थी, और वो जातियां आज
बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उन जातियों के अंदर आज IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील सब पैदा हो चुके हैं। लेकिन जिन जातियों ने बाबा साहब की इस बात को नहीं माना, उन्हें हम OBC की जातियाँ कहते हैं। उनको हम OBC की जातियाँ कहते हैं। वो आज भी SC ST से कई सालों पीछे हैं। साहब काशीराम ने कहा था कि जो OBC की जातियाँ हैं, उन्होंने तो विद प्रूफ कर दिया था कि कई बार उन्होंने बड़े मंच से कहा था कि मैं एक फार्म देता हूँ, एक लेटर देता हूँ, उसे OBC के लोग अपने जाके बस्ती में, अपने घरों में, अपने समाज में जाके उसे गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा के लाएं। लेकिन इसी लेटर को मैं अपने समाज के लोगों को देता हूँ तो मेरे समाज, जाटव समाज में आज भी एक एक घर में आपको चार चार गजटेड ऑफिसर मिल जाएंगे। तो उन्होंने विद प्रूफ कर दिया था। तो जब इन्होंने नहीं माना तो बाबा साहब बड़े दुखी हुए। बाबा साहब ने देखा कि हैं तो ये मेरे ही लोग, ये अमेरिका इंग्लैंड से तो आए नहीं हैं, हैं तो ये मेरे ही लोग, लेकिन आज ये धोखे के शिकार हो रखे हैं, आज ये जो है मनुवादियों के शिकार हो रखे हैं, लेकिन आज नहीं तो ये कल मेरी बात को मान जाएंगे। तो बाबा साहब ने फिर, बाबा साहब को दूसरी बार मौका मिला संविधान लिखने का। तो बाबा साहब ने संविधान बनाते वक्त आर्टिकल 340 के तहत OBC समाज को 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। लेकिन ये बाबा साहब ने तो व्यवस्था कर दी, और जो संविधान बाबा साहब ने बना करके लिख करके दिया कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उस वक्त के तत्कालीन जो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने इसको लागू करना था 27% को। लेकिन नेहरू राजनीति जानता था, वो राजनीतिज्ञ था पूरा, तो उन्होंने इस 27% जो आरक्षण था इसको देना उचित नहीं समझा। और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने लोगों को, OBC के लोगों को भ्रमित कर दिया कि आपके 27% आरक्षण के लिए मैंने जो है विज्ञान भवन के अंदर एक आयोग बिठाया है, काका केलकर आयोग। और काका केलकर आयोग 17 सालों तक बैठा रहा और कोई रिपोर्ट नहीं दे सका। जब 17 सालों तक काका केलकर आयोग कोई रिपोर्ट नहीं दे सका तो नेहरू जो है प्रधानमंत्री नहीं रहा, या इस दुनिया में ही नहीं रहा। तो नेहरू के ख़त्म होने के बाद में अपना देश के कुछ टाइम के लिए शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, और शास्त्री जी तो मात्र कुछ टाइम के लिए रहे, उसके बाद उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और लंबे समय देश की प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी ने इनको OBC को 27% आरक्षण नहीं दिया, तो उन्होंने भी अपने पिताजी की तर्ज पर आते हुए और OBC समाज को भ्रमित कर दिया कि भाई अभी तक मैं जो आपका जो 27% आरक्षण है उसके लिए उन्होंने दूसरा आयोग बिठा दिया, का वो मंडल आयोग। तो जब मंडल आयोग बिठा दिया, मंडल आयोग भी बैठा रहा, वो भी कोई रिपोर्ट नहीं दे पाया। और उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी जी भी इस दुनिया में नहीं रहीं और वो भी यहाँ से निकल गईं, चली गईं। तो उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी 27% आरक्षण को OBC को देने की ज़रूरत नहीं समझी। और उसके बाद फिर देश के अंदर चुनाव होते हैं 1989 में, और VP सिंह ने जनता के बीच में जा करके वादा किया कि अगर मेरी सरकार आती है, मेरी गवर्नमेंट आती है, तो मैं मंडल कमीशन को लागू करूंगा। और मंडल कमीशन को लागू करूंगा तो ये कह करके उन्होंने चुनाव जीत लिया और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी इस 27% को लागू ना करके उन्होंने भी इसे खटाई के बस्ते में डाल दिया, या ये कह दो कि उन्होंने भी इसको इग्नोर कर दिया कि OBC का मुद्दा अगर देना है तो इसके ऊपर फिर हंगामा होगा। तो इसलिए उन्होंने उचित नहीं समझा और अपनी सरकार को चलाते रहे। लेकिन साहब मान्यवर काशीराम जी ने देखा कि अपने VP सिंह जी तो सरकार में आए हैं, तो लोगों के बीच में वादा करके आए कि मैं मंडल कमीशन लागू करूँगा, तो हमारे इस मिशन मूवमेंट को चलाने वाले साहब काशीराम जी, जो कि बहुत ही नेक इंसान थे और जो कि इस महापुरुष की हम उन्हें मानते हैं अपना, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने जो हमारा आंदोलन ख़त्म हो गया था उसे साहब ने दोबारा चालू किया। और साहब ने देखा
कि वीपी सिंह गवर्नमेंट इसे लागू नहीं कर रही है, तो साहब ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और उसमें वीपी सिंह सरकार को कहा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब देखा वीपी सिंह ने देखा, क्योंकि साहब काशीराम के साथ लाखों लाख लोग जुड़े हुए थे, तो उन्होंने जब बाम सेफ बनाई थी तो बाम सेफ बनाने से पहले उन्होंने 30 लाख लोगों को अपने साथ बाम सेफ में जोड़ा था, और उन्होंने पार्टी बनाई तो पार्टी के टाइम पे तो उनके साथ लोगों की कोई गिनती नहीं थी। इस तादाद में हर पूरे भारत में लोग बाबा साहब काशीराम के साथ जुड़े हुए थे। जब साहब काशीराम ने ये ललकारा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो वीपी सिंह की कुर्सी हिल गई और वीपी सिंह ने बहुत जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया और वीपी सिंह ने 27% आरक्षण को तुरंत लागू कर दिया। और जब 27% को वीपी सिंह ने लागू किया तो उसके रिजल्ट पूरे देश ने देखे। ये मनुवादी समाज रोडों पे आ गया और देश की संपत्ति का नुकसान किया, बसें जलाईं, लोगों को मारा पीटा और बहुत लोगों की जानें गईं, और वीपी सिंह सरकार को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी इस 27% के चलते। तो ये हमारे मानसिकता रही है हमारे इन मनुवादियों की, जब दलित का नाम आता है, ओबीसी का नाम आता है, तो ये वहाँ कुछ भी नहीं देना चाहते, दलित को और ओबीसी को ये बांट के रखना चाहते हैं। बाबा साहब ने 1948 के अंदर 24 अप्रैल 1948 को लखनऊ के ग्राउंड में कहा था अपनी स्पीच में कि ऐ मेरे ओबीसी के लोगों, तुम्हारा हित अगर कहीं है तो वो बहुजन समाज के लोगों के साथ है, क्योंकि तुम अपने घर में रहोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो जिस दिन एससी एसटी और ओबीसी समाज एक हो जाएगा, उस दिन सत्ता पर कब्जा ओबीसी समाज और एससी एसटी का होगा। तो हमारे ओबीसी समाज को बहुत जल्दी से जल्दी इन बातों को समझकर अपने घर में आ जाना चाहिए। जैसे साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन एससी एसटी ओबीसी के लोग एक हो जाएंगे, सत्ता आपकी होगी। और उसी मंच से साहब ने कहा था कि जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोग तुम्हारे जूते के फीते खोलने में शान समझेंगे। तो उन दिनों गोविंद बल्लभ पंत जो है, उन दिनों यूपी का चीफ मिनिस्टर था, और गोविंद बल्लभ पंत जो है बड़ा व्याकुल हुआ कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोल दिया। लेकिन बाबा साहब तो बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूर की नज़र रखते थे, तो उन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली थी। और आज समाज इन चीज़ों को भुगत भी रहा है, जैसे कि माननीय अखिलेश कुमार जो यूपी के सीएम रहे, और जब वो सीएम पद से हट जाते हैं तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब उनके ऑफिस में जाते हैं, उनके घर में रहने के लिए जाते हैं, तो उसके गोय मूत्र से तो धुलवाते हैं, गंगा जल छिड़कवाते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक दलित रह के गया है, इसलिए इसको गौमूत्र से धोना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ऑफिस को भी और उसको कार्यालय को भी और घर को भी, सीएम हाउस को भी गौमूत्र से धुलवाया। अगर अखिलेश यादव, पहली बात तो वो यादव है, ओबीसी समाज में आता है, दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जब अखिलेश यादव जैसा संपन्न परिवार के व्यक्ति को मान सम्मान नहीं है, तो हम और आप तो एक बहुत छोटी सी बात है इन मनुवादियों के लिए। ये मनुवादी लोग जब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक हम एससी एसटी और ओबीसी के लोग एक नहीं हो जाएंगे, और जिस दिन हम एक हो गए उस दिन ताकत हमारी होगी, 85% इस देश का राजा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।